ब्लॉक प्रमुख श्री नरेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र सहरावत जी, सुरंदर पाल जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती कविता सैनी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जानसठ श्री प्रवेंद्र भड़ाना जी, मनोज राजपूत जी, तुषार चौहान जी, शिव कुमार सैनी जी, मदन छावड़ा जी, कार्तिक काकरान जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी समेत खतौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर जब भी मैं आता हूं 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों में खो जाता हूं। भाइयों बहनों, कभी महाराज परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ था। उस स्मृति में बना यहां का सुख तीर्थ आज भी पूरे देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। दुनिया के अंदर प्राचीनतम संस्कृति जो है उनका इतिहास 3000 वर्ष पुराना है, लेकिन भाइयों बहनों, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण महाराज परीक्षित ने इसी भूमि पर किया था और इस भूमि में जन्म लेने, अपने कर्म के माध्यम से आप सबको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये आपका सौभाग्य है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, सुख तीर्थ के विकास के लिए हमारी सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया। मां गंगा की कृपा इस जनपद पे और सुख तीर्थ पर बना रहे, यहां के श्रद्धालुओं पर बना रहे, गंग नहर के दोनों ओर हमने 2 लेन की सड़क बनाने का निर्णय लिया। और आपने देखा होगा आपकी एक ओर तो 2 लेन की बेहतरीन सड़क बन चुकी है। ये सड़क आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? सुख तीर्थ के विकास के लिए भी हम लोगों ने कार्य किया है। आज धामों का विकास हो रहा है, मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, गंग नहर पर सड़क का निर्माण हो रहा है, सहारनपुर में विश्वविद्यालय बन रहा है, बिजनौर में मेडिकल कॉलेज, अनवरत एक यात्रा है। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से लगातार जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार का भी कोई विकास है क्या? उनके समय में बिजली मिलती थी क्या? उनके समय में फ्री में राशन मिलता था क्या? और उनके समय में गंगा नहर की सड़क क्या बनी थी? क्या वे विकास कार्यों में रुचि लेते थे? अब देखिए, वैसे उन्होंने एक विकास कराया है, सुनेंगे, उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। समाजवादी पार्टी और लोक दल का विकास कहां है? भाइयों बहनों, उन्होंने जहां का विकास कराया मैंने आपको बता दिया। कहां का विकास कराया उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का कराया है ना। तो वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे क्या बोलना है कि कब्रिस्तान में जाइए, वहीं से वोट भी
अगर कब्रिस्तान के प्रति उनकी रुचि नहीं होती तो एक कवाल का बवाल भी वे नहीं कराते। मालूम है ना, ये विक्रम सैनी जेल गए थे ना, दिखने के लिए लंबे पतले हैं, लेकिन जब उस समय उन दंगाइयों को जवाब देना था और एक भ्रष्ट और बेमान सरकार को सबक सिखाना था, तो संजीव बालियान और ये विक्रम सैनी ही जेल जाने के लिए आए थे। उस समय 6 महीने तक ये जेल में थे, 1 साल 13 दिन जेल में थे। रासुका इन पे लगी थी इसलिए क्योंकि इन्होंने उस सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये जो सपा बसपा लोकदल के लोग आज आपके बीच आ रहे हैं, भाइयों बहनों, इनमें थोड़ी भी नैतिकता होती, इन्हें अपने इस बंदर बदरंग चेहरे को लेकर के आपके सामने नहीं आना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने यहां के निर्दोष लोगों को मरवाया है, यहां के नौजवानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, यहां के किसानों पर गोलियां चलाई हैं और इन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कबाल का बवाल हो रहा था, तब ये दो लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? तब ये दो लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। तब इनको जाति नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, सचिन और गौरव नाम के जो दो नौजवान लड़के मारे गए थे अपनी बहन की रक्षा करते हुए, वे दोनों भी जाति नौजवान थे। तब इनको जाट याद नहीं आ रहा था, तब नहीं याद आ रहा था, और आज आपके सामने आकर के जाति की दुहाई दे रहे हैं, आज आपके सामने आकर के नाक रगड़ने का काम कर रहे हैं, आज कह रहे हैं हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। उनसे पूछना चाहिए था भाई, जब सरकार में थे तब तो बिजली देते ही नहीं थे, बिजली आती थी उनके समय में तो, तब तो बिजली देते नहीं थे, तब तो कर्फ्यू लगाते थे, और हम लोगों ने तो कावड़ यात्रा भी निकाल दी है ना। कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, 5 साल में कभी कर्फ्यू नजर आए? अरे दंगे किसी दूसरे प्रदेश में हुए होंगे, उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश विकास करेगा और धूमधाम से कावड़ यात्रा भी निकालेगा। भाइयों बहनों, लोग मुझसे कहते थे कि भाइयों बहनों, जब कावड़ यात्रा की बात आई तो तमाम राज्यों ने रोक लगाई, और जब मैंने प्रशासन की बैठक की तो मैंने पूछा भी क्या मामला है, उन्होंने कहा साहब मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद दंगा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों दंगा होगा? कहा कि कावड़ यात्रा अगर निकलेगी। मैंने कहा भी क्या अभी उन दंगाइयों के पास संदेश नहीं पहुंचा है कि दंगा करोगे तो फिर पूरा घर बाढ़ चला जाएगा? ये दंगा की बात कहां से खुरापातों के दिमाग में आती है? मैंने कहा कावड़ यात्रा निकलेगी, हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ, सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे देना। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी हम करते हैं लेकिन कर्फ्यू भी नहीं लगने देते। आपको कावड़ यात्रा पसंद है या कर्फ्यू पसंद है? कावड़ यात्रा पसंद है ना,
ते कावड़ यात्रा कौन निकालेगा? ये कावड़ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही निकालेगी। भाइयों बहनों, पिछली सरकार दंगा कराती थी, बेटियां असुरक्षित थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माताएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले घर बार घर पहुंचने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। लेकिन 5 साल में आपने देखा होगा पूरा बदलाव आया है, न दंगा है, न कर्फ्यू है, न पलायन है, प्रगति हो रही है। अपराधी पलायन कर रहा है, अपराधी पलायन कर रहा है, और इसी अपराधी के पलायन से दोनों लड़के भी परेशान हैं कि अभी तक तो 5 वर्ष में अपराधी पलायन किए हैं, ऐसा ना हो कि जनता जनार्दन अपना असली रूप दिखा करके इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए यूपी से ही पलायन करवा दे। उन्हें तो इस बात की परेशानी है, उन्हें परेशानी इसी बात की है, परेशानी इस बात की है कि जनता जनार्दन ने यह तय कर दिया था लोकसभा चुनाव में कि असली कौन, और जनता में मुजफ्फरनगर की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ताकत तय किया था कि संजीव बालियान ही असली है, जो संकट का साथी वही हमारा साथी। भाइयों बहनों, जो हमारे संकट में खड़ा नहीं हो सकता, साथ नहीं दे सकता, ऐसे अवसरवादी को तो हमें दूर दूर तक पटकने नहीं देना चाहिए। उनको बोलो सौहार्द अपने घर में मनाओ, ये सौहार्द की दीक्षा हमें मत दो। हम जहां हम और हमारी बेटियां हमारी माताएं जहां सुरक्षित रहेंगी वह रास्ता स्वयं तय कर लेंगे। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। ये लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था एक प्रेस वार्ता किए थे, प्रेस वार्ता के माध्यम से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? और भाइयों बहनों, मैं तो आज आप सब से कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 17 में, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया था, और इसमें मुजफ्फरनगर जनपद के 50,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 50,000 से अधिक किसानों का। और यही नहीं, यहां पर हमारी डबल इंजन की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के किसानों का 1,58,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। पिछली सरकारों के समय सपा की सरकार रही हो, बसपा और लोकदल की सरकार रही हो, या लोकदल और सपा की सरकार रही हो, इनके समय में कोई किसानों को पूछता नहीं था। आज तो प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है, 6,000 रुपये सालाना। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसानों का जितना सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया है। ये लोग केवल झूठे लॉलीपॉप दिखाते थे, और जब करने की बात आती थी करते कुछ नहीं थे, क्योंकि इनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं थी। जब दंगा हो रहा था, क्या दिल्ली वाला लड़का कभी देखने के लिए आया था, झांकने के लिए, हालचाल लेने के लिए आया था? तब ये दंगाइयों का समर्थन कर रहे थे,
तो उनको बोलो सौहार्द वहां मनाओ, हमारे यहां मत मनाओ, हम तो जानते हैं कैसे सौहार्द होता और कैसे सुरक्षा होती है। आज सुरक्षा का कोई भी इश्यू यहां नहीं, हर बेटी अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है और हर बहन और हर माता बाजार भी जाकर के खरीदारी कर सकती है। किसान सुरक्षित है, किसान का सम्मान भी हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव के पहले 4.5 वर्षों तक जो लोग बिलों में दुबके हुए थे, आज जब चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखा करके और फुफकार करके कुछ गर्मी दिखा रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी को शांत करने के लिए फिर भाजपा की सरकार चाहिए, क्या सहमत हैं? आनी चाहिए ना, और कतई बहकावे में नहीं आना है। ये जो बहकाने वाली बात कर रहे हैं, अलग अलग नारे लगा रहे हैं, कोरोना काल खंड में, कोरोना काल खंड में क्या ये लोकदल कांग्रेस सपा बसपा के नेता आए थे हालचाल लेने के लिए? उनको फुर्सती नहीं थी, उनको फुर्सती नहीं थी, ये सब घर में बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, दुबके हुए थे। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन दोनों हाथ उठा करके मुझे थोड़ा बताइए कितने लोगों ने लिया है। तो ये तो 100% लोगों ने ले लिया है। आपके इस कतौली विधानसभा क्षेत्र में 100% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। और वैक्सीन का विरोध करने वाले सपा लोकदल बसपा कांग्रेस के नेता तो समय कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ना ये भाजपा वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने ही हमें बचाया है कोरोना जैसी महामारी से। भाइयों बहनों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, बड़ी संख्या में कोरोना से मौतें हो रही है, रूस में मौतें हो रही हैं, यूरोप में मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कोविड प्रबंधन के सामने कोरोना स्वयं हार मान चुका है। कोरोना की तीसरी लहर भी हार करके चली गई है, इस मोदी वैक्सीन ने सबको बचा दिया है। अगर ये मोदी वैक्सीन हमारी जान बचाई है, ये भाजपा वैक्सीन जान बचाई है, तो क्या ये भाजपा वैक्सीन के साथ वोट देंगे? जो संकट का साथी होता है वही सच्चा साथी होता है, और कोरोना जैसी महामारी से इसी वैक्सीन ने बचाया है भाइयों बहनों। और फ्री में अन्न, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज अन्न का मिल रहा होगा ना, राशन का मिल रहा है, ये राशन का डबल डोज भी डबल इंजन की सरकार। भाइयों बहनों, यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, विश्वविद्यालय यहां के युवाओं के लिए, इधर जाएंगे सहारनपुर, इधर जाएंगे मेरठ, एक तरफ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आपका स्वागत कर रहा होगा, दूसरी तरफ मां शाकंभरी के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय आपका स्वागत कर रहा होगा। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोगों ने स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का नाम रखा है। मेजर ध्यानचंद जी आप समझ गए होंगे, हॉकी के जादूगर, भारत को 4 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाला महापुरुष था, भारत का इतना प्रख्यात खिलाड़ी जिसके नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, उनके नाम पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है। और पिछली सरकारें तो तमंचे की फैक्ट्री लगाती थी, तमंचा बनता था इनका, ये दोनों जो दोनों नौजवान है ना, ये केवल दंगावादी नहीं तमंचावादी भी हो गए हैं अब।
क्योंकि इसी तमंचे को लेकर के ये किसानों के खेत में जाते समय उन्हें लूटते थे, व्यापारी को लूटते थे, तमंचीवादियों को तो गली में तख्ती लटकवा करके सरकार ने पूरा कर दिया ना। और अब हम लोग डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यहां पर तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप पर बैठ करके पाकिस्तान की सीमा में धड़धड़ाएगा तोप को, तो पाकिस्तान के ही नहीं पाकिस्तान परस्तियों के भी छक्के छूटेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों आज मैं आपके पास आया हूं। देखिए विक्रम सैनी ने आपके संकट में रह करके आपका सहयोग किया। कोरोना कालखंड में मैं देखता था, कोरोना में सेवा करते करते स्वयं बीमार हो गए। एक समय डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप रेस्ट करिए, आपके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। मैंने फोन करके उनको कहा कि भाई विक्रम जी थोड़ा रेस्ट लो, डॉक्टर मना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जनता अगर हमारी कोरोना से परेशान होगी ये विक्रम आराम नहीं कर सकता है। और भाइयों बहनों इसीलिए पार्टी ने तय किया है, कबाल के बवाल को शांत करने के लिए यही आए थे उस समय संकट का साथी बनकर के, और मुजफ्फरनगर को बचाने के लिए अपने आप को जेल के अंदर जाना स्वीकार किया, लेकिन आपके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया, कोरोना कालखंड में सेवा करते रहे। आज गुमराह करने के लिए तमाम लोग आएंगे। भाइयों बहनों सुरक्षा और विकास हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये काम तो हम लोग करवाएंगे, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए कहीं कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। आज जो चुनाव आ चुके हैं ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है सबके लिए, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न हमारे लिए इस बात को लेकर के कि हमारी बेटियां, हमारे व्यापारी, हमारी माताएं सुरक्षित रहें और फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर्फ्यू के चंगुल में न फंसने पाए, इसके लिए एक और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में आपके लिए खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ पेशेवर दंगाइयों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े होकर के सपा, लोकदल, बसपा, कांग्रेस लगातार चिढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, मुजफ्फरनगर जनपद से हम लोगों ने खतौली से श्री विक्रम सैनी को, बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक को, चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप को, पुरकाजी से श्री प्रमोद उठवाल वाल्मीकि को, मीरापुर से श्री प्रशांत गुर्जर को और मुजफ्फरनगर सदर से श्री कपिल देव अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों मेरी आप सबसे अपील है, अपील इस बात की, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार एक हाथ में विकास को लेकर के आपके पास आएगी, दूसरी तरफ इन दंगाई और माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगी। और इस विकास और बुलडोजर के समन्वय को अनवरत आगे बढ़ाना है। सहमत हैं सभी लोग? दोनों हाथ लाकर मुझे आश्वस्त करिए, विक्रम जी को सहमत करिए, विक्रम सैनी जी को, सभी सहमत है ना? दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाला भी रखते हैं, मथुरा
पूरा पुकारे मेरठ में भी गांव गांव में शहर शहर में अवधपुरी में योगी योगी बुलंदशहर में योगी योगी बांदा बस्ती योगी योगी चित्रकूट में योगी योगी यूपी के हर जिला के अब है 22 में योगी जी 22 में भी योगी जी 27 में भी योगी जी 27 में योगी जी 27 में भी योगी जी लहर भी होगी ललकार भी होगी 2022 में तो होगी ही होगी 2027 में भी योगी जी की सरकार होगी योगी जी की सरकार होगी कानपुर में काशी में भी गंगा यमुना के घाटों पर लहर लहर में